हैवलॉक आइलैंड्स के बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुना था कि ये अंडमान्स के आइलैंड्स में सबसे सुंदर जगह है, पर सच बात बोलूं तो जो कुछ भी सुना था और जो कोई लोगों ने इसके बारे में जो मुझे कहा था, इसकी तारीफ उन्होंने तो कम ही की है। वेलकम टू हैवलॉक। तो नमस्ते गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन दी अंडमान सीरीज। तो अभी सुबह सुबह बज गए हैं 6:30 बजे, गाड़ी अभी आने वाली है पिकअप करके लेके जाने के लिए एट द नेक्स्ट आइलैंड डेस्टिनेशन, जहाँ पे हम 2 दिन काटने वाले हैं, विच इज द इनसेनली ब्यूटिफुल हैवलॉक आइलैंड। तो हमारा नाश्ता ऑन द रोड पैक कर दिया है मंशा रेजेंसी होटल वालों ने, तो आपको जैसा भी चाहिए यहाँ पे, अगर जल्दी जा रहे हो तो दे विल पैक इट अप फॉर यू, सो यू कैन हैव इट ऑन द वे। हमारी टिकट्स कल रात को ही इन्होंने दे दी थी पूरी जर्नी की, तो अभी गाड़ी आ गई है, हमें बैठना है, पोर्ट की तरफ चलना है और वहां पे आगे फेरी का क्या सीन है आपको बताता हूं। तो फाइनली हमारी यहाँ पे बोर्डिंग प्रोसेस शुरू होने वाली है, हमारी बैग्स की चेकिंग हो गई है। चेकिंग कराने वक्त आपको याद रखना कि यहाँ पे लाइन काफी लंबी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द टाइम दैट यू टेक, क्योंकि यहाँ पे एक ही बैगेज स्कैनिंग की मशीन है और गवर्नमेंट फेरीज एंड प्राइवेट फेरीज सबकी एयरपोर्ट स्टाइल एक ही टाइप की यहाँ पे चेक इन काउंटर है। तो आप जब भी इधर आते हो वो भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 टाइप की क्रूजेज चलती है या 2 टाइप की फेरी बोट सर्विस चलती है रादर। एक है सरकारी वाली जो सस्ती है जिसमें पर वॉल्यूम्स बहुत होते हैं और थोड़ी स्लोअर है, और दूसरी है आपकी प्राइवेटली ऑपरेटेड वन जिसके लिए बहुत सारे कंपनीज जैसे मक्रूज है, नॉटिका है, ये सारी मिलेगी। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आपको पहुंचने के लिए बाई सी कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, और आपको वहां पहुंचने ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। पॉपुलर वंस है ITB मक्रूज एज वेल एज नॉटिका की बोट्स। आप यहां पे जाने के लिए कम से कम 1400 से 2500 का बजट पकड़ के जा सकते हैं बाय प्राइवेट बोट्स। हमारी तो जो प्राइवेट ट्रांसफर्स थी वो सारी महाराजा ट्रेवल्स ने हैंडल कर ली थी हमारे पैकेज में, तो हमें कोई भी जगह जाने के लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। पर अगर आपको सेल्फ प्लान करना है, खुद से टिकट्स की बंदोबस्त करने हैं, तो आप bookmyboat.com भी यूज कर सकते हैं। ये एक लोकल कंपनी है अंडमान्स की और बहुत ही हाईली रिलायबल है, और आपको जो टाइप की और जो कैटेगरी की आपको प्राइवेट बोट ट्रांसफर्स चाहिए यहाँ पे आपको सारी की सारी ऑनलाइन बुकिंग करके मिल जाएगी एट वन प्लेस। और बहुत ही जल्द हम पहुंच गए थे इन द वेरी ब्यूटीफुल हैवलॉक आइलैंड, और वहां पे हमारी गाड़ी हमें पिकअप करने रेडी थी और हमें हमारी होटल में लेके चली आई। हमारा हैवलॉक आइलैंड का जो स्टे था वो था एट द वेरी अमेजिंग सिम्पनी पाम्स बीच रिजॉर्ट। ये आपको हैवलॉक की जेटी से ओनली 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है, और ये एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है जो 3 to 4 स्टार कैटेगरी के बीच में आती है, और यहाँ पे आपको एक प्राइवेट बीच भी अटैच्ड है, और रूम्स तो बहुत ही बढ़िया है, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल गाइज। चेक इन करके थोड़ी देर हमने आराम की, और उसके बाद हमारी गाड़ी आ गई थी फिर से हमें पिकअप करने के लिए टू टेक अस टू अ वेरी अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल प्लेस, जो आपकी फर्स्ट प्लेस होनी चाहिए व्हेन यू विजिट हैवलॉक आइलैंड्स। ओके, तो आधा घंटा हम लोग की गाड़ी की जर्नी होने के बाद हम लोग पहुंच गए एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस हियर इन द आइलैंड ऑफ हैवलॉक, जिसका नाम है राधानगर बीच। राधानगर बीच की स्पेशलिटी ये है कि ये एक ब्लू फ्लैग बीच है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे गुजरात की सीरीज में, तो वहाँ पे मैंने 2 ब्लू फ्लैग बीच विजिट किए थे, और इंडिया में ऐसे 9 बीचेस है जो ग्लोबली सर्टिफाइड है फॉर बीइंग क्लीन एंड बीइंग प्रिस्टीन। तो चलिए अभी अंदर जाते हैं और राधानगर बीच को फुल एक्सप्लोर करते हैं। कैसा था पानी? वेरी गुड, वेरी नाइस, क्लीन। राधानगर बीच के बारे में हमने जितना सुना था ये उससे कहीं ज्यादा बढ़ के निकला। यहाँ पे अलग अलग कपल्स अपना फोटोशूट करा रहे थे, देखे इतना मस्त रोमांटिक वाइब देखे दिल बहुत ज्यादा खुश हो गया।
हम दोनों भी बच्चों की तरह रेत में सैंड कैसल्स बना रहे थे और वी वर हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ एट राधानगर बीच। मैं आपको सच में कहूँगा कि अंडमान जब आओगे आपका पूरा लाइफ का पूरा मूड ही चेंज हो जाएगा। इट्स सच अ ब्यूटिफुल कामिंग एंड पीसफुल प्लेस। तो सुबह से जब इसे निकले थे ना, बारिश, क्लाउड, एकदम ओवरकास्ट ऐसा था। और मैंने सुना था कि राधानगर का बीच का सनसेट बहुत ही ज्यादा एपिक रहता है, और ऐसा लगता है कि किसी ने मेरी बात सुन ली। एंड सरप्राइज सरप्राइज, आज हमें सनसेट देखने मिलेगा आफ्टर ऑल, क्योंकि अभी अभी जस्ट थोड़ा क्लियर हो गया है, हल्का हल्का सा सन आ रहा है वो क्लाउड्स के बीच में से, एंड बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। माय गॉड, लोगों ने जो कहा था कि यहाँ पे सनसेट अमेजिंग है, दे मेंट एवरी वर्ड ऑफ इट। राधानगर इज ट्रूली पैराडाइज ऑन अर्थ। अगले दिन की शुरुआत हमने काफी आराम से की थी, क्योंकि हमारा दिन एकदम ही इजी गोइंग था। तो हमने सुबह सुबह होटल की एकदम ही अमेजिंग ब्रेकफास्ट एंजॉय की, और उसके बाद हम गए हमारे होटल को ये जो लगा हुआ था वो प्राइवेट बीच को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी मैं आपको, जैसे मैं बोल रहा था कि हमारे होटल में एक प्राइवेट बीच अटैच्ड है, मैं उधर लेके जा रहा हूँ आपको। आप देख के एकदम ही, मतलब इधर अगर आने का प्लान करो ना तो ये होटल आप पक्का बुकिंग करोगे, क्योंकि ये सारे स्ट्रेचेस में जितने भी होटल है सबके सब में प्राइवेट बीच एक्सेस है, और बहुत अमेजिंग है पूरा। अभी आपको जस्ट दिखाता हूँ, चलिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो होटल है सिम्फनी रिजॉर्ट, उसमें उनका एक प्राइवेट बीच यहाँ पे अटैच्ड है, और देखे कितना खाली है, लिटरली हम लोग ही है इधर और कोई भी नहीं है। इतना अमेजिंग है, और आज तो वेदर भी बहुत क्लियर है, तो पानी भी एकदम ब्लू सा दिख रहा है। सो अगर आप इधर आ रहे हो अंडमान में ना, तो ये स्ट्रेच जो है जहाँ पे सिम्फनी पाम रिजॉर्ट है, यहाँ पे ढेर सारे और भी होटल्स है, पर दिस इज वन ऑफ द बेटर वंस। आपने देखा आज ब्रेकफास्ट भी कितना बढ़िया था उनका। तो हमारी डे टू की शुरुआत आज थोड़ी लेट होती है, क्योंकि सुबह एक प्लान जो था वो कैंसिल करना पड़ा। तो हमने आज एक लंच किया, और लंच में एकदम ही फैबुलस सा लॉबस्टर खाया। ऑफ कोर्स जब आप ऐसे जगह पे हो तो लॉबस्टर या सी फूड खाना तो बनता ही है। बट अभी जो जगह पे आए हैं हम लोग, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस है, वंस अगेन इन अ थीम ऑफ ब्यूटीफुल बीचेस जो यहाँ पे चलते जा रहा है। एंड वी हैव अराइव्ड एट द फेमस काला पत्थर बीच। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो पत्थरों पे मैं खड़ा हूँ वो एक्चुअली पत्थर नहीं है, ये डेड कोरल्स है। कोरल्स को कॉन्स्टेंटली पानी लगता है टू कीप देमसेल्फ्स अलाइव, और जब भी ऐसा मतलब पानी रिसीड होता है या लो टाइड रहता है कॉन्स्टेंटली, तो वो एरियाज में जो कोरल रहते हैं वो सूख जाते हैं और पत्थर जैसा कड़क हो जाते हैं और काला कलर का दिखने लग जाता है। इसके लिए इस बीच में इतने सारे डेड कोरल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए इसका नाम है काला पत्थर बीच। तो हमारी फोटोशूट चलते जा रही है, ये बीच बहुत ही ज़्यादा पिक्चरेस्क है फोटोग्राफ्स लेने के लिए, हम लोगों ने बहुत फ़ोटो ली है। ये बीच के बारे में ना मैं आपको एक वाइटल जानकारी दे देता हूँ कि ये बीच एक सनराइज़ बीच है, ये सनसेट बीच नहीं है। अभी देखिए शाम का 4 बज रहा है, सन है ही नहीं, सन मेरे पीछे है पूरा। सो अगर आपको यहाँ पे सनराइज़ देखने में इंटरेस्ट है तो सुबह सुबह आ जाइए। मैंने सुना है कि यहाँ का सनराइज़ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जैसे कि राधानगर में सनसेट है, आप काला पत्थर में सनराइज देखने आ सकते हैं। सो इफ यू हैव द टाइम डू कम एंड चेक इट आउट। तो हम लोग का रूम हैवलॉक आइलैंड में कुछ ऐसा दिखता है, कॉटेज रूम है ये पूरा, यहाँ पे बाहर वरांडा है और सामने ऐसा व्यू पॉइंट है इधर पूरा हम लोगों के लिए, और आजू बाजू में भी बहुत सारे कॉटेजेस है लेफ्ट एंड राइट में, सब इंडिविजुअल प्राइवेट वंस है। और रूम हमारा कुछ ऐसा दिखता है, देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा क्वीन साइज बेड है, बाहर ये फुल विंडो है और पूरा व्यू ऐसा दिखता है। इधर टेलीविजन है, छोटा सा फ्रिज है, चाय कॉफी बनाने का पूरा सामान दिया है, इधर कबर्ड है, ड्रेसिंग टेबल है, एज वेल एज इधर आपको बैग्स रखने के लिए भी जगह है। एंड ऑल इन ऑल यहाँ पे आओगे तो वॉशरूम है,
वॉशरूम भी काफी स्पेशियस क्लीन है, बहुत ही बढ़िया और फंक्शनल है, विद ऑल द टॉयलेटरीज एज वेल यहाँ पे भी दिया है। अभी मैं आपको हैवलॉक आइलैंड की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे देता हूँ। अगर आप सेल्फ प्लानिंग करके आ रहे हो और अगर आपको बाइक रेंटल लेनी है तो आपको ढेर सारे ऑप्शन है, आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। आपको टू व्हीलर्स एनीवेयर फ्रॉम 400 टू 600 to 700 के बीच में पड़ जाएगी। अगर आपको एडवांस में बुकिंग करनी है ताकि आपको अवेलेबिलिटी का कोई इशू ना हो तो आप andamansrental.in पे भी जाके आप बुकिंग कर सकते हो। ये एक बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट है और लोकली रन है, तो आपको हर आइलैंड में आपको जैसी भी टाइप की टू व्हीलर्स चाहिए या बाइक्स चाहिए, ये सारे के सारे आपको बंदोबस्त करके दे देंगे। इनके थ्रू आप टैक्सीज भी बुक कर सकते हो अगर आप लार्जर ग्रुप में हो, और अगर आपको उनको कॉन्टैक्ट करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका पूरा लिंक एज वेल एज कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दिया है। अभी मैं आपको हैवलॉक की एक आखिरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसके बारे में भी बता देता हूँ, जो हम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ हाई टाइड्स। तो आप जब हैवलॉक जाते हो वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया जगह है जिसका नाम एलिफेंट बीच है, जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वहाँ पे जाने के लिए आपको दो तरीके हैं, एक है आप ट्रैक करके जा सकते हो, पर बहुत सारे लोग जो है हैवलॉक के पोर्ट से एक बोट पकड़ के जाते हैं। वहाँ पे जाने के लिए आपको 20-25 मिनट लगता है और बोट की फेयर एनीवेयर बिटवीन 700 से 1000 रुपीज़ के बीच में हो जाती है। वहाँ पे आपको ढेर सारे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ है इंक्लूडिंग स्कूबा, तो आपको बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट में मिल जाता है। आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एलिफेंट बीच पहुँचना है तो सुबह जाना पड़ेगा और 2 बजे के पहले पहुँचना पड़ेगा, और 4 से 4:30 के बीच में आपको वहाँ से रिटर्न आने का देखना पड़ेगा। तो आपको स्कूबा या कोई वाटर स्पोर्ट्स करनी है तो थोड़ा जल्दी निकलना वहाँ पे एडवाइजेबल रहेगा, और वेदर चेक करके जाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं भी आपको खाने पीने का बंदोबस्त का भी बता देता हूँ। आप अंडमान में कोई भी आइलैंड में जाओगे तो आपको सारी टाइप की क्यूजीन्स रेडीली अवेलेबल मिल जाएगी, पर आपको एक ही ध्यान रखना है कि यहाँ पे थोड़ा फूड आपको महंगे साइड पे पड़ सकता है, बिकॉज ये एक आइलैंड है और सारा चीज़ यहाँ से इंडिया से बोट पे आता है तो थोड़ा बहुत कॉस्ट बढ़ जाता है। तो आपको जो खाना जनरली 350-400 में किधर और पड़ेगा, यहाँ पे आपको 5 to 550 रुपीस पड़ सकता है, तो उसका आप ध्यान रखिए। बाकी आपको खाने पीने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है अराउंड द आइलैंड, आप कहाँ पे भी जाके अपने हिसाब से खाना खा सकते हो। तो ये थी सारी हैवलॉक की जर्नी गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ भी क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी कुछ ही देर में हमारी गाड़ी आने वाली है और हमें लेके जाने वाली है हमारी अगली डेस्टिनेशन, जहाँ पे हम 2 दिन स्पेंड करने वाले, जो है द ब्यूटिफुल नील आइलैंड। तभी तक आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप एज वेल गाइस, और अगर फैमिली के साथ नहीं जुड़े हो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तभी तक स्टे सेफ, मिलते हैं अगले जर्नी में जो नील आइलैंड में होगी। टेक केयर, ट्रैवलिंग बंदा आउट।